रहीम अस्सलाम वालेकुम। खबर शामिल करते हैं कराची से। रिपोर्टर बादशाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस ने मिजरे सहित गुटखा मावा बनाने वाले और फरोख करने वालों के खिलाफ कार्रवाईयों का सिलसिला तेज कर दिया। SHO न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया यूनुस खटक ने इंटेलिजेंस ऑफिसर वहीद वलीद हफीज की रिपोर्ट पर रात गए गोधरा मक्का कॉलोनी में कार्रवाई के दौरान मिजरे सहित गुटखा मावा बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा गया। कार्रवाई गोधरा मक्का कॉलोनी मकान नंबर 106B सेक्टर गली नंबर 11 में की गई। कार्रवाई के दौरान बड़ी तादाद में गुटखा मावा बनाने का सामान बरामद। गुटखा बनाने का सामान 193 किलोग्राम छालिया, 14 किलोग्राम सफेद चूना, 6 किलोग्राम तंबाकू, 3 ड्रम, 2 टब, 1 वेट मशीन पैकिंग का सामान और 201 पैकेट तैयार गुटखा कब्जे में ले लिया। कार्रवाई के दौरान एक मुलजिम निसार वल अब्दुल सत्तार, मुलजिम का दूसरा साथी इकबाल वल अब्दुल सत्तार फरार हो गया। SHO यूनुस खटक के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ गुटखा मावा मेमपुरी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। SSP डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल आरिफ असलम।